Assalamu alaikum, dear students of 5th class. How are you? I hope you will be fine, and I also hope you will have learned your previous lesson that was about letter. So now we start our second lecture about application. Do you know about application? Actually, application is a verbal or written request to fulfill our requirements. जब हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़बानी या तहरीरी तौर पर किसी से इल्तिजा करते हैं या दरख्वास्त करते हैं तो उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं. इज़ इट क्लियर? सो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक. आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेडी आवर नोटबुक्स विद फॉर्मेशन डेट एंड डे एंड द टॉपिक. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको लिखना. राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर अटेंडिंग अ मैरिज सेरेमनी ऑफ सिस्टर. आपने अपनी बहन की शादी की तकरीब पर हाजिर होने के लिए अपने स्कूल या अदारे की प्रिंसिपल को या हेड को दरख्वास्त लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट प्रिंसिपल कॉमा, उसके बाद द नॉलेज स्कूल कॉमा पसरूर फुल स्टॉप. रिस्पेक्टेड मैम, मोहतरम मैम, ये हमारा हो गया फिगर कंप्लीट. इसके बाद इसका बॉडी हम स्टार्ट करेंगे. इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट, कहते कि आजाना तौर पर मैं दरख्वास्त गुजार हूँ या अर्ज करता हूँ दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर विल बी हेल्ड ऑन फेबरी 18, 2018, कि मेरी बड़ी बहन की शादी 18 फरवरी 2018 को होना तय पाई है. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज फ्रॉम फेबरी 17 टू फेबरी 19. मेहरबानी फरमा कर मुझे 3 दिन की छुट्टी अनायत फरमाएं 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक. आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपकी इस मेहरबानी के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा. सो दैट वॉज द एंड. योर्स ओबीडियंटली, उसके बाद कोमा एक्स वाई जी फुल स्टॉप. जैसे हम उर्दू में लिखते हैं ना लास्ट में आपका ताबियादार शागिर्द, इसी तरह हम योर्स ओबीडिएंटली यहाँ लिखेंगे. उसके बाद एक्स वाई जी की जगह नेम भी लिख सकते हैं. फेबरी 15, 2018, इसके साथ आपने लास्ट में डेट भी लिखनी है. ओके, इज इट क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑफ योर होम असाइनमेंट एंड स्टे ब्लेस्ड एट होम. अल्लाह हाफिज़.